प्रतीक सहजपाल में सफाई को लेकर हुई बहस। देबोलीना भट्टाचार्य जी और निशांत भट्ट ने प्रतीक सहजपाल को ठहराया गलत। नमस्कार, मैं हूं चारू जैन और आप देख रहे हैं देसी फीड वीडियो। दरअसल आज सभी घर वाले रिलैक्स मोड में हैं, जहां उमर रियाज आज राजीव अदात्या को हेयर कट दे रहे थे, तभी वहां पर प्रतीक सहजपाल पहुंच गए और उमर को सफाई पर ज्ञान देने लगे। प्रतीक का कहना था कि लास्ट टाइम जब उमर रियाज ने निशांत भट्ट और करण कुंद्रा को हेयर कट दिया था तो वहां पर सफाई अच्छे से नहीं हुई थी और बाल वहीं पर पड़े रह गए थे, जिस पर उमर रियाज ने प्रतीक को कहा कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रतीक जबरन की उमर से बहस करने लगे, जबकि उमर ने हेयर कट देना शुरू भी नहीं किया था, जिसे देख देबोलीना भट्टाचार्य जी और निशांत भट्ट की भी टिप्पणी सामने आई। दोनों का कहना था कि आज घर में कोई काम नहीं है तो प्रतीक उमर से लड़ने पहुंच गए हैं। प्रतीक के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए प्रतीक फालतू की लड़ाई कर रहे हैं। साथ ही अक्सर ये बात देखी भी गई है कि प्रतीक सहजपाल के पास जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो वो घर में गंदगी को लेकर भी लड़ाई करते हुए दिखते हैं। इससे पहले भी प्रतीक सहजपाल चाय के कप से लेकर घर की गंदगी को लेकर लड़ते हुए देखे गए हैं, जिस पर प्रतीक सहजपाल को एक बार सलमान खान की फटकार भी मिली थी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है, प्रतीक सहजपाल बिन बात के मुद्दे उठाते हैं? और बिग बॉस से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल देसी फीड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।